नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। भारतीय टीम आज से कोलकाता की ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज करेगी। अहमदाबाद में खेली गई वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया T20 में भी वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। हालांकि भारतीय टीम वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर चुकी है, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम T20 की स्पेशल टीम मानी जाती है, इसलिए उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता है। आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला 2009 T20 विश्व कप के सुपर 6 राउंड में खेला गया था। उस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को मात दी थी, जिसके बाद से अब तक दोनों टीमों के बीच इस फॉर्मेट में 17 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस दौरान भारत ने 10 मैच जीत दर्ज की है, वहीं वेस्टइंडीज ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं। बायलेटरल सीरीज में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार है। हालांकि बड़े टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज ने भारत पर दबदबा बनाए रखा है। बता दें, दोनों के बीच भारतीय विकेटों पर 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं। भारत ने 5 में जीत दर्ज की है और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, ऐसे में कैरिबियाई टीम T20 सीरीज में टीम इंडिया के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। भारतीय टीम इस फॉर्मेट में एक बेहतर मिडिल ऑर्डर के साथ नजर आती है, जो उसे वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती झटकों से उभरने में मदद कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।